सो फाइनली स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव सीरीज में। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए हम लोग एक लेसन से लेकर के बायोलॉजी के जितने भी लेसन हैं, मतलब प्रत्येक लेसन को हम पोस्टमार्टम करते हुए, मतलब कि उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बन जाने वाला है, सारे ऑब्जेक्टिव को इस सेशन में मैं पूरा का पूरा करा देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और हाँ, ध्यान रहे, अगर आप बहुत अच्छे तैयारी किए हैं तो क्वेश्चन हम जैसे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव का, और जो भी ऑप्शन होगा उसको देखते ही आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद से मैं जो सही आंसर बताऊंगा उसे तो आपको मिला ही लेना है। इससे क्या होगा कि दो फायदा होगा। पहला नंबर कि आप अपने से लिखेंगे तो आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी। दूसरा नंबर ये चीज़ कि आपकी लेवल की मतलब अच्छे ढंग से मतलब मेजरमेंट हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो ये पहले क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वसन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन तो अग्नाशय रस से ही पाया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो देखिए जैव प्रक्रम क्या है, तो जीवन की वो सारी क्रियाएं जो जिंदा रहने के लिए मुख्य रूप से जरूरी है उसे जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैसे कि लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जिंदा रहने के लिए मुख्य रूप से जरूरी है, तो श्वसन तो जरूरी है, पोषण तो जरूरी है, लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन दिया है ना बाबू, ये तीसरा ऑप्शन जनन नहीं बल्कि श्वसन पोषण उत्सर्जन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्सर्जन। तो इस किताब में थोड़ा गलत ऑप्शन दे दिया है, तब जाकर के ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चूंकि जनन आप जब जाएंगे ना एग्जाम देने के लिए, तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसमें जनन ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर बिहार बोर्ड बहुत ही अच्छे ढंग से सोच समझ करके और पूरे तरीके से जांच करके ही तब क्वेश्चन और उसका ऑप्शन भी सेट करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सजीव में जो जैव प्रक्रम की जो प्रोसेस होती है, जो लाइफ प्रोसेस की जो लाइफ जो प्रोसेस होती है ना, वो मूल रूप से तीन होती है, मतलब देर आर थ्री प्रोसेस, ठीक है ना, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर वर्क्स ऑफ लाइफ। मतलब अपने लाइफ को बहुत मतलब जो है ना क्या बता रहे हैं, मुख्य रूप से जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है ना, वो श्वसन पोषण और उत्सर्जन ही होता है। अच्छा एक बात बताइए, जनन नहीं होगा मतलब समझिए, तो संतान पैदा नहीं करेंगे तो क्या हम जिंदा नहीं रहेंगे? ऐसा थोड़ी ना है। शादी ब्याह नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे? ऐसा थोड़ी ना है। शादी ब्याह करना जो कोई जरूरी थोड़ी होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके मतलब इस धरती पर मिलेंगे जो शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर भी वो जिंदा है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है ना, उसे जीव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो चार नंबर का सही उत्तर आप लोग बता दीजिए। देखिए दांत के द्वारा, तो दांत से तो हम लोग चबाते हैं, भोजन राजधानी के द्वारा तो नहीं, ये भी नहीं होगा, केंद्र के द्वारा तो नहीं, कुटपाद के द्वारा। अच्छा देखिए अमीबा में भोजन का ग्रहण कुटपाद के द्वारा ही होता है, और भोजन का निष्कर्षण माने बोले तो भोजन जो मतलब अपना डाइजेस्ट करने के बाद जो निकालता भी है ना, तो निकालने का भी जो रास्ता होता है ना, वो कुटपादे ही होता है। तो अगर बोल दे कि भोजन का ग्रहण और निष्कर्षण कैसे करता है, तो कुटपाद के द्वारा ही होगा। अब चलिए अगला प्रश्न जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है, पांच नंबर देखिएगा। पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में, तो एक तो बात क्लियर हो गई कि पैरामीशियम और अमीबा एक ऐसे जीव है जो यूनिसेलुलर है, मतलब बोले तो एक कोशिकीय है। तो जीव में पाई जाने वाली पोषण विधि, ठीक है ना, यानी न्यूट्रिशनल प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, उस पोषण विधि को क्या कहते हैं, यानी पैरामीशियम और यानी कुल मिला जुला करके ये बात समझ लीजिए कि एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं, मृत जीवी की, परजीवी की, प्राणिसम। तो बताइए आप सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पाँच का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्राणिसम, क्योंकि पैरामीशियम और अमीबा जो है ना, ये बिल्कुल मैंने प्राणिसम बोले तो मैंने एक दूसरे प्राणी के समान ही अपना जो है ना भोजन ग्रहण करते हैं। अब आइए बात करते हैं अगला प्रश्न, ठीक है ना। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो पेप्सिन किस में बदलता है बताइए, पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो भोजन को प्रोटीन में बदल देता है। तो वो मतलब दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो छः का सही उत्तर हो जाएगा आपका पेप्टोन। पेप्सिन पेप्टोन में बदलता है, तब जाकर के मतलब पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है ना, ये चीज होना चाहिए। तो देखिए पेप्सिन नामक एंजाइम जो है ना, वो प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ATP में फास्फेट की संख्या होती है, तो सात का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन C 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। सांस लेने, देखिए मैंने आपको कंटेंट वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने समझाया है कि अगर हम सांस लेने और छोड़ने ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ होती है ना, तो क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेना, ठीक है ना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, मैंने ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ होती है ना मानव शरीर के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है ना। तो आठ का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए अगला प्रश्न जरा देखिएगा। अच्छा एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा आपको बायोलॉजी से, उसके बाद से केमिस्ट्री, उसके बाद से सबसे कम मात्रा होता है फिजिक्स का, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं, ट्रेकिया ध्यान रखिएगा, ट्रेकिया, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर बताना है कि 9 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है उपास्थि के बने पूर्ण वलय, या उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, या क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, या क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय, तो आपको बताना होगा। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। तो चलिए बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, दांत का सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, मतलब दांत जो होता है ना उसके ऊपरी परत एक लेयर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगला बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है, तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, कीटों में, देखिएगा कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है उसको क्या है बताइएगा, क्या गिल्स होता है, क्या फेफड़ा होता है, क्या ट्रेकिया होता है, क्या गिल्स कोस्ट होता है, तो बताइए 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ट्रेकिया होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ATP। अब आइए अगला प्रश्न जरा देखिएगा, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन में निम्नांकित में किस तरह से भिन्न होती है, पौधों में और श्वसन की प्रक्रिया, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया और जंतुओं में, यानी पौधों में कैसा होता है, तो पौधों में अब आप समझ ही सकते हो, पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है, और जंतुओं में उसके मतलब अगर हम लोग इंसान है तो हम लोग के नाक गुहिका के माध्यम से होता है, यानी लंग से होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बताना है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन में 14 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा पौधों में प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है, और पौधों में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, और जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है, तो कुल मिला जुला करके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है, फ्लोएम सुनिएगा ध्यान से, पौधे के दो अंग होते हैं जिसके द्वारा, ठीक है ना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जैसे कि जाइलम से जल का और फ्लोएम से फलों का, मतलब जो भी भोजन तैयार होता है ना वो फ्लोएम के द्वारा ही इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन कराया जाता है, और जो जाइलम होता है ना उस जाइलम ऊतक के द्वारा पूरे मतलब पौधों में जल का संवहन कराया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, मतलब ऊपर की ओर की नीचे की ओर, तो कैसे होता है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। एमिनो अम्ल का वहन, एक मिनट सॉरी 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 एक मिनट, हम इधर आ गए, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, ठीक है ना, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया जाइलम, ठीक है ना, क्या कराता है, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा जल का वहन। मैंने अभी थोड़ा देर पहले इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि जाइलम, देखिए इसका याद करने का एक और भी ट्रिक है, जाइलम जल याद रखिएगा, जाइलम जल मतलब एक जैसा वर्ड मिलता जुलता, जैसे ऐसा लग रहा है ना कि साइनोनिज्म वर्ड है जाइलम जल, तो जाइलम से जल याद रखिएगा, जल का संबंध कराता है, और बाकी फ्लोएम का तो खुद ही याद हो जाएगा। तो ये दो ही प्रसिद्ध ऐसे ऊतक होते हैं जिसके बारे में कहीं ना कहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, तो बताइए क्या, मतलब मान लीजिए कि जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो किस हिसाब से निकलती है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, मतलब जब हम लोग लेते हैं तो साधारण ऑक्सीजन जाता है, फिर जब निश्वास होता है यानी कि जब बाहर ऑक्सीजन वही निकलता है तो किसके साथ निकलता है, तो अपनी वाइफ कार्बन के साथ निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा युगलिना में पदार्थों के परिवहन है, तो निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होता है, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विसरण द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक है, देखो यार मतलब वही क्वेश्चन को फिर पूछ दिया, यह जल संवाहक जाइलम होता है और फ्लोएम मतलब क्या करता है, फलों को यानी कि पौधों में बने भोजन को स्थानांतरण करवाता है, तो यहाँ पर जल संवाहक बोल रहा है तो जाइलम हो जाएगा, जल से जाइलम, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा 20 का, शरीर में रक्त पट्टी काड़ुओं का मुख्य कार्य है, तो 20 का सही उत्तर आप बता दीजिए क्या होगा, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा कि रक्त में जमने में सहायता करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 21 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, पाचन क्रिया का मुख गुहा से कि ग्रसनी से कि आमाशय से कि छोटी आंत से, तो आप बता सकते हैं कि इनमें से चारों में से कौन है जिसके द्वारा सबसे पहले स्टार्टिंग होता है, मुख्य मतलब मुख्य रूप से भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप बताइए, आप सोच करके बताइए, मैं थोड़ा देर रुक रहा हूँ। आप जाहिर सी बात है कि भोजन को सबसे पहले आप कहाँ डालते हैं, तो मुख गुहा में ही ना डालते हैं, तो यहीं से ही पाचन शुरू हो जाता है। अब आप बिना चबाए निकल जाइए और पेट के ऊपर छोड़ दीजिए, पेट ही हमारा सब कुछ पचा उचा देगा, तब तो आप गैस के पेशेंट बनने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न, दंत अस्थि क्षय का कारण है, ठीक है ना, बताइए क्या मीठी चीज़ खाने से, क्या दांतों की सफाई न करने से, क्या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होने से, या फिर इनमें से सभी, तो बताइए।
तो मेरे को लग रहा है जहां तक, और जहां तक ना इसको कंफर्म ही समझिए, दंत अस्थि क्षय यानी दंत का पूरा क्षय तभी हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा मीठी चीज खाते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि दांतों के जो बीच वाला हिस्सा होता है, मतलब अगर मान लीजिए ये दांत है, ठीक है ना, ये दांत है, तो ये जो पल्प कैविटी होता है ना, गुदेदार जो मतलब एरिया होता है ना, वहां पर जाकर के मीठी चीजें जाकर के फंस जाती है। और दांतों की अच्छे तरीके से सफाई न करने से, ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना, बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। देख रहे हैं ना, मतलब जो मैंने लाइन का इस्तेमाल किया, यानी मीठी चीज़ खाने से, फिर से सुनिए ध्यान से, मीठी चीज़ खाने से, ठीक है ना, इस पल्प कैविटी पर यानी पल्प कैविटी पर मीठी चीज़ जम जाता है, और दांतों की सफाई न करने से, देखिए ये दूसरा बात हो गई जो ऑप्शन बी में दिया है, दांतों की सफाई न करने से बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है, तीसरा चीज़ हो गई, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग है यानी उत्सर्जन का जो काम करता है, तो 23 का सही उत्तर आप बता दीजिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग है, क्या फेफड़ा है, क्या यकृत है, क्या अग्नाशय है? नहीं रे बाबा, ये आपका वृक हो जाएगा, सबसे बढ़िया और क्या बताया ना, शरीर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी, ठीक है ना, वृक, जो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, क्या लसिका कहते हैं, क्या बिंबाणु कहते हैं, क्या सीरम कहते हैं, क्या प्लाज्मा कहते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जो चिपचिपे पदार्थ की बात अगर आ जाएगी ना, तो हो जाएगा आपका प्लाज्मा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न जरा देख लीजिएगा, फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस विषम में खुलती है, फुफ्फुस शिराएं, ठीक है ना, तो दायां अलिंद दायां नीला, बायां अलिंद बायां नीला, तो बताइएगा आप इसमें से कौन सही उत्तर हो जाएगा। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा बायां अलिंद में, जो कि आपको मैंने हार्ट वाली कंसेप्ट में मैं समझाया हूँ, ठीक है ना। रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं भाई, क्या स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, या लेक्टोमीटर कहते हैं, या स्टेथोस्कोप, या एमीटर कहते हैं? तो आप बता सकते हैं कि 26 का सही उत्तर हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं रक्तचाप को, ठीक है ना। और लेक्टोमीटर से तो दूध मापा जाता है, और एमीटर से तो धारा मापा जाता है, और स्टेथोस्कोप से तो प्रेशर मापा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से चारों ऑप्शन के साथ जो मैंने आपको मतलब एक्सप्लेन करके मैंने जो बताया, इस बात को भी याद रखिए, हो सकता है आगे पूछ देगा कि लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दूध मापा जाता है, ठीक है, एमीटर से क्या मापा जाता है, धारा, स्टेथोस्कोप से तो आपको प्रेशर मापा जाता है, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए, अच्छा देखिए मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका एग्जाम बहुत करीब है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वृक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, बताइएगा वृक, बताइएगा ध्यान से। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका वृक, तो देखिए परिवहन का तो होगा नहीं, पोषण का तो होगा नहीं, श्वसन का तो उत्सर्जन का ही ना होगा। अच्छा चलिए 28 नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन, जरा देखिए। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, क्या फेफड़ा से, क्या यकृत से, क्या श्वास नलिका से, या वृक से? तो बताइए 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा यकृत से, ठीक है ना, 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यकृत से। अब चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाते हैं, गोंद कहलाते हैं, या टेनिन के रेजिन, इनमें से सभी, बताइए। तो 29 का सही उत्तर बहुत ही जानदार और मजेदार क्वेश्चन है यार, गोंद भी उत्सर्जी होता है, टेनिन भी होता है, और रेजिन भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो आपको बताना होगा, क्या बबुल का, कि कनेर का, कि पीपल की, चीड़, बताइए। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा बाबू आपका चीड़ का, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा 31 नंबर, मनुष्य में रक्त छानता है, मनुष्य में रक्त जो है ना छानता है कौन, फेफड़ा की, बोमेन स्पोन की, कुंडलित नलिका की, मूत्रवाहिनी? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा बोमेन स्पोन, जो कि आपको मतलब किडनी वाली मतलब क्या बोलते हैं कंसेप्ट में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ, तो आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा बायोलॉजी समाप्त कर दिया है। अब देखिए वृक एक भाग है, क्या चीज़, उत्सर्जन का, कि परिवहन तंत्र का, कि श्वसन तंत्र का, कि इनमें से कोई नहीं, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का, चूंकि उत्सर्जी अंग ही ना है। अब आइए 33 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो बता दीजिए 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने ये भी बताया है मतलब किडनी वाली कंसेप्ट में मैंने ये भी बताया है, तो लगभग मतलब लगभग 10 लाख ही मान करके चलिए, लगभग 10 लाख, क्योंकि 12 लाख रियर केस में ही आपको ऑप्शन देता है, तो कितने लोग 12 लाख लगाते हैं, लेकिन मैं लगभग 10 लाख ही आप लगाइएगा, ठीक है ना, और कभी कभी आपको किताब में भी गलत उत्तर देखने को मिल जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है, अरे यार फिर वही बात पूछिए यार, जल वहन का कराता है काम। तो अब यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है कि श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, तो दिए गए ऑप्शन में क्या होगा, तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, अगर ऑक्सीजन न रहे तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा अवायवीय, एनारोबिक कहा जाता है इंग्लिश में, और एरोबिक क्या कहा जाता है, वायवीय। अच्छा देखिए इसको समझिए, श्वसन का वह चरण, समझिएगा यानी श्वसन का वह चरण, यानी जो श्वसन की जो प्रोसेस है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो वायवीय होगा, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी यानी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी कैन से डैट द ऑप्शन बी एनारोबिक
रेस्पिरेशन विल बी द राइट आंसर, यानी कि एनारोबिक अवायवीय श्वसन को कहते हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 36 नंबर क्या है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा जाइलम नलिकाओं द्वारा। अब आइए अगला जो प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो 37 का सही उत्तर आप बता दीजिए, तो ये होता है सुक्रोज में, ठीक है ना। अब आइए वाष्पोत्सर्जन एक क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा बताइएगा शारीरिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, शारीरिक प्रक्रिया, सॉरी यहाँ पर देखिए वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, वाष्पोत्सर्जन ये एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना, और कुछ लोग तो शारीरिक प्रक्रिया ही लगा देते हैं, जबकि रासायनिक प्रक्रिया तो होगा नहीं, परिस्थिति की प्रक्रिया तो होगा नहीं, तो भौतिक प्रक्रिया ही हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 39 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया द्वारा के, प्रकाश संश्लेषण के, अपघटन के, इनमें से कोई नहीं, तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है ना। अब अगला जो प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग बताइएगा कितना होता है, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा 120, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 41 नंबर, जरा देखिएगा ध्यान से, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन की घटना तो पत्तियों में ही होता है, ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विखंडन, द्विखंडन, द्विखंडन किस में होता है जी, अमीबा में कि पैरामीशियम में कि इनमें से सभी, ठीक है ना, तो यहाँ पर अमीबा हो जाएगा, द्विखंडन होता है, क्योंकि जब भी वो बड़ा होता है तो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए कि हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए कि इनमें से सभी, तो देखिए सोचने के लिए तो होगा ही होगा, अच्छा मस्तिष्क संतुलन बनाने के लिए ही होता है, तो अगर आपको हृदय स्पंदन के लिए मतलब अगर आपको डाउट हो रहा है तो इनमें से सभी के साथ आप चले जाइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किसके फॉर्म में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के, कि जल से, कि ग्लूकोज से, कि डिक्टियोजम से, तो बताइए 44 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जल से, ठीक है ना। अब अगला जो प्रश्न है देखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है यार, क्लोरोफिल में, कि लाल रक्त कण में, कि वर्णी लवक में, कि श्वेत रक्त में, तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए 46 नंबर, वृक एक भाग है तो यार उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन बी अवायवीय है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीन है, ऑक्सीन ऑक्सीन, तो बताइए क्या है, तो हो जाएगा यह एक हार्मोन है, हाँ हार्मोन है, हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 49 नंबर, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कि जो थक्का बनाने का काम करता है वो क्या होता है, तो बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए बहुत लोग प्लेटलेट्स लगाते हैं लेकिन लसिका ही होगा, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नीलय द्वारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 51 नंबर कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, तो ये तो हो जाएगा रंध्रों के द्वारा, क्योंकि पत्तियों में छोटी छोटी जो छिद्र पाया जाता है ना उसको एस्टोमेटा कहते हैं, यानी रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 52 नंबर, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो स्लाइड पर सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितने पर देखा जाता है, तो यहाँ आपको बताना होगा, तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10x पर देखा जाता है। 53 नंबर प्रश्न जरा देख लीजिएगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यार जल संवहन का, तो फाइनली ये हो गया आपका पूरा का पूरा पहला लेसन। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है सेकेंड लेसन का वो ये है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा चेतना के रूप में, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न जरा देख लीजिए, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, ठीक है ना, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा कशेरुकु, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पियोस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, कि हृदय स्पंदन के लिए, कि शरीर का संतुलन बनाए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी सभी के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगला प्रश्न, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिका होते हैं, तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है क्या कहलाता है, तो आपको बताना होगा, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बीज रहित, ठीक है ना, पौधों के उत्पादक में ये सहायक होते हैं क्या, तो आपको बताना होगा, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीन और जिब्रेलिन। 8वां प्रश्न है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, अरे यार ये तो क्वेश्चन बहुत ही मतलब जबरदस्त पूछ दिया, तो ये होता है एथिलीन। 9 नंबर देख लीजिएगा, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है भाई, क्या अंतःस्रावी, क्या बहिस्रावी, क्या नलिका से, क्या कोई नहीं, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतःस्रावी, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड से,
ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 10 नंबर यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मेरुरज्जु में कि कोशिका में कि पादप में कि इनमें से कोई नहीं, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मेरुरज्जु में, ठीक है ना। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, कौन ऐच्छिक क्रिया है, छींकाना कि डर जाना कि खाना कि चौंक जाना, तो ऐच्छिक क्रिया के तौर पर खाना ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों के तौर पर काम करते हैं, तो हो जाएगा अग्नाशय इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि एक नर हार्मोन, नर हार्मोन, नर और मादा आप तो समझ ही रहे होंगे, तो एक नर हार्मोन क्या होता है, एड्रेनल होता है कि TSH होगा, एस्ट्रोजन की टेस्टोस्टेरोन होता है, क्या होता है बबुआ तनि बता दीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। मतलब आप नर हैं तो जरूर आप इसका आंसर जानते होंगे, आप मादा है तो थोड़ा सा इसको आप पढ़े ही होंगे, तो मतलब आपको ये याद करना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक के द्वारा, नर्व सेल्स के द्वारा। अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, लो मैंने बोल ही दिया और ये ऑप्शन भी दिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है ना, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा 31, ठीक है ना, स्पाइनल नर्व्स की, लेकिन स्पाइनल नर्व्स की 31 नहीं होता है, 33 होता है, यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया है, मतलब 31 तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना, 33 होता है, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड की जो संख्या होती है ना वो 33 होती है, ठीक है ना। अब छोड़ो यार, मतलब क्वेश्चन जो है ना आपके बुक में भी गलत दिया रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 33 दिया रहेगा तो 33 ही आपको लगाना है। 17 नंबर का देख लीजिएगा, शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, मस्तिष्क, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पर, अंकित हुए बीजों के वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है क्या चीज, एफसीएससी के ऑक्सीजन की फ्लोरिजेंस की इनमें से कोई नहीं, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, यौनारंभ से संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा, तो 19 का हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की, ये तो आपको विज्ञानी का नाम याद रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा बैटिंग, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न जो है ना, ये वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, वृषण द्वारा, सोचिएगा वृषण कहाँ से उत्पन्न होता है, ये मतलब नर के शरीर से कि मादा के शरीर से, तो इसी से आप लोग मतलब जो है ना इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, तो ये नर के शरीर से, तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है, बहुकोशिकीय यानी जो हम लोग हैं बहुकोशिकीय, वी आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर, ठीक है ना, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका समन्वय, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 23 नंबर, ठीक है ना, 23 नंबर प्रश्न देखिएगा, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, ये ऑलरेडी हम कंटेंट वाली वीडियो में बता चुके हैं, तो ये होता है आपका मतलब 23 का सही उत्तर हो जाएगा ये हार्मोन के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगला प्रश्न जो है ना, देखिएगा तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका कहते हैं। 25 में देख लीजिएगा, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो भाई इसको आप कह सकते हैं सिनेप्स, ठीक है ना, या सिनेप्स दरार भी कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न जरा देख लीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं, न्यूरॉन के जो छोटे छोटे तंतु बने होते हैं ना उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको डेंड्राइट कहते हैं। 27 नंबर जो कि कंटेंट वाली वीडियो में ऑलरेडी मतलब बताया भी हूँ, तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुद्ध, सॉरी यार, जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ना वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो गंदे जल में हो जाएंगे यार, ठीक है ना, तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, मानव में डायलिसिस थैली, तो यहाँ पर 28 का सही उत्तर हो जाएगा डायलिसिस थैली माइटोकॉन्ड्रिया की न्यूरॉन, तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये भी मैं कंटेंट वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ, अगर आप उस कंटेंट वाली वीडियो को नहीं देखोगे तो फिर ऑब्जेक्टिव में तो थोड़ी सी दिक्कत आ ही रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, आप समय भी बहुत कम है, इसलिए आप सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देख करके अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हो जाए। तो चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है बाबू। अब आइए अगला जो प्रश्न देख लीजिएगा, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग, ये किसके कमी से होता है, मैंने घेघा किसके वजह से होता है, तो यार ये तो हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है ना, नहीं और है, ये दोनों बहुत ध्यान से क्वेश्चन का ऑप्शन लगाइएगा, तो वो ये हो जाएगा चबाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो यार तो अभी तो मैंने बताया कि सिनेप दरार कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला जो प्रश्न है वो है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ठीक है ना, मतलब क्या चीज़ का हिस्सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। अब 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन
डी हो जाएगा साइटोकाइनिन, क्योंकि इंसुलिन और थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये सब तो मानव हार्मोन है ना, मतलब जंतु हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन ही सही उत्तर होगा 34 का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगला जो प्रश्न देख लीजिएगा कि पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन यानी आपको बताना होगा। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जिब्रेलिन्स, ठीक है ना। अब उसके बाद से अगला जो प्रश्न है वो है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा घेंघा। तो चलिए बिना देर के हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जो है ना ऑब्जेक्टिव वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं भाई, रजोधर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, या मासिक चक्र कहते हैं, या इनमें से सभी कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप चाहे रजोधर्म कहिए, चाहे मासिक चक्र कहिए, या मासिक धर्म कहिए, या मासिक चक्र कहिए, मतलब इंग्लिश में उसको पीरियड कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मतलब नाम, मतलब क्या बताएं, इसको इंग्लिश में पीरियड कहते हैं और इसका नाम हिंदी में तीन वो है, जैसे कि रजोधर्म कहिए, या मासिक धर्म कहिए, या मासिक चक्र कहिए, नो प्रॉब्लम, बट या इज सेम सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलिए। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो दो का सही उत्तर हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर से पुरुष याद रखिएगा, तो आपको तो मैंने ये ट्रिक बताया था कंटेंट वाली वीडियो में, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है महिला में मासिक चक्र की अवधि यानी पीरियड साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो कितने दिनों के लिए होती है, तो वो 28 दिनों के लिए होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगला प्रश्न, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो चार का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुकुलन के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो पांचवा का सही उत्तर हो जाएगा कि विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पर कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो पपीता की, सरसों की, उड़हल की, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा, तो छः का सही उत्तर हो जाएगा आपका पपीता, ठीक है ना। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है, तो सात का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अपखंडन। सात आठवां नंबर प्रश्न है, बीजाणु की दीवारें मोटी होकर बनाती हैं, क्या बनाती है, फूल की, भ्रूण की, बीज की, बीजावरण बनाती है, तो आठ का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बीज आवरण बनाती है। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पर, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो नौ का सही उत्तर हो जाएगा कोशिका के केंद्रक में। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पराग कोश कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्र में, कोशिका में, केंद्र में, कि इनमें से कोई नहीं, तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कोशिका के केंद्र में। अब अगला जो प्रश्न देख लीजिएगा वो है कि नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है, मतलब जो नर का जो सेक्स हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, वो कब से मतलब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब कब, ऐसे तो हम लोग 13 साल की उम्र में किशोरावस्था में आ जाते हैं, बट कब से स्टार्ट हो जाता है, तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा 15 से 18 साल की उम्र में, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 14 का है, अंडोत्सर्ग कब होता है, तो मैंने अंडे की उत्पत्ति कब होती है, मतलब गर्भाशय के अंदर, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा रजोधर्म यानी 12 से 14 दिन के बाद, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगला प्रश्न, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग के भाग हैं, तो आपको बताना होगा क्या है, तो अंडाशय हो चाहे वर्तिका हो या वर्तिकाग्र हो, ये जितने भी है ना ये एक फीमेल बॉडी है, ठीक है ना, ये इन फीमेल पार्ट है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा स्त्री केसर, ठीक है ना, स्त्री से स्त्री केसर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपको 16 का सही उत्तर के साथ जाना है ऑप्शन डी ट्रैम्बल। 17 नंबर है, स्पाइरोगायरिया में प्रजनन किस विधि से होता है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, खंडन के द्वारा। 18 नंबर है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्प में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा बाबू आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, मतलब जो सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान वो मतलब रोग फैल नहीं सकता है, तो वो क्या है, एड्स तो फैल सकता है, गोनोरिया, सिफिलिस, तो मुझे लगता है कि टाइफाइड नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। एड्स किसके कारण होता है, क्या जीवाणु के, विषाणु या प्रोटोजोआ या उपरोक्त में से सभी, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु के कारण, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए, बैक्टीरिया वाले खमीर और अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा द्विखंडन के द्वारा। 22 शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, एपिडाइडीमिस, ठीक है ना। तो अब यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है कि मनुष्य में निषेचन का स्थान है, तो यहाँ पर बहुत लोग ऑप्शन लगाते हैं गर्भाशय, बट देयर इज नथिंग एसेंस, अंडवाहिनी होगा, क्योंकि अंडवाहिनी में ही जाकर के शुक्राणु मिलता है और फिर वहाँ पर निषेचन की घटना होती है और फिर एक भ्रूण का निर्माण होता है, फिर संतान और संतति का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। मादाओं में प्राय कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है, मतलब कितने साल की होंगी तो अंडे बनना मतलब खत्म, मतलब उसके अंदर की मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप की फीलिंग खत्म हो जाती है, मतलब जब अंडा ही बनना बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर की सेक्स हार्मोन निष्क्रिय हो गई और वो पूरी तरीके से अब निष्क्रिय हो जाएंगे, एकदम फ्रीज हो जाएंगे,
जाएंगी। तो बताइए मादाओं में प्राय कितने वर्ष की आयु में, बताइए कितने वर्ष की आयु में, तो इसका अंदाजा लगाया गया, तो ये है लगभग 50 साल की उम्र में जो है ना फीमेल बॉडी से जो अंडोत्सर्ग की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है 50 साल की उम्र में। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, मानव मादा में निषेचन तो आपको बताना होगा, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डिम्ब वाहिनी में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 26 में निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब नहीं है पूछ रहा है, तो 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। अब यहाँ पर 27 नंबर देख लीजिएगा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईस्ट, ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक होगा तो इन दोनों के बीच जो होता है ना मिलन इसको निषेचन कहते हैं। फिर उसके बाद से अगला प्रश्न पराग कोष में क्या होते हैं यार, तो ये परागण होते हैं यार, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है देख लीजिएगा 30 नंबर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होती है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन तो फूलों के द्वारा होती है, 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, तो नर पुंकेसर पुरुष से पुंकेसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 31 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्त्री में, लिंग का गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा नहीं एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, हाँ पूर्ण जोड़ा स्त्री में ही पाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि के द्वारा होता है तो ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा, हाँ मतलब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है यार, अमीबा तो होगा नहीं, स्पाइरोगायरा होगा नहीं, ठीक है तो ऑप्शन बी ही होगा, हाँ ऑप्शन बी ही होगा। चलिए तो यहाँ हो गया आपका थर्ड लेसन, अब चलिए हम लोग फोर्थ लेसन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेसन यानी बोले तो इस बायोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है और इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है ताकि आपका एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न है एक भी ना छूटे। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है गुणसूत्र की खोज किस सन में हुई थी, गुणसूत्र की खोज तो यहाँ पर हो जाएगा 1875, ये आपको सन से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है बट इट मे भी अगर कहीं पूछ दे तो मतलब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका दो का सी केंद्रक में, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं, मतलब जीनी संरचना कितने होते हैं, तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग 30,000 से लेकर के 40,000 तक ये मतलब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है मानव में ऑटोसोम की संख्या, ठीक है ना, यानी ऑटोसम, ऑटोसम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसम तो ऑटोसम की संख्या कितनी होती है ज़रा बता दीजिए इसका, तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा 22 जोड़ी, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसमें विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं, मैंने जो पहले बताया है कंटेंट वाली वीडियो में। अब अगला जो प्रश्न है वो प्लेनेरिया की आँखें कैसी होती है, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा बहुत साधारण। यहाँ पर देखिए यदि लक्षण ए किसी अलैंगिक जनन वाली जाति में 10% पाया जाता है और लक्षण बी उसी जाति में 60% पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा लक्षण ए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगला प्रश्न, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो भाई पूरा गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है तो 23 और ऑटोसम की संख्या पूछ रहा है तो 22, क्योंकि दो डिफरेंट होता है मतलब एक जोड़ा डिफरेंट होता है, तो गुणसूत्र बने होते हैं किसे बने होते हैं भाई, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए और प्रोटीन के। यहाँ पर देख लीजिए जीव उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, मतलब जीव का जब उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछ दिया है, तो बी का सही हो जाएगा मतलब अपचायक, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा अगला जो प्रश्न है मेंडल के एक संस्करण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एक बौने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात, ठीक है ना, है तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुषों में तो XY ही ना होता है क्योंकि अंडो फीमेल बॉडी से तो जो गर्भाशय से अंडाशय के रूप में जो होता है वो XX क्रोमोसोम होता है, तो पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो XY हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा अगला प्रश्न है 13 प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डार्विनवाद, और 14 नंबर डायनासोर किसका उदाहरण है, तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरीसृप। 12 नंबर प्रश्न है ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा कृत्रिम चयन द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 16 नंबर उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका लेमार्क, ठीक है ना। 17 नंबर देख लीजिएगा कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रक। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुणसूत्र में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न 19 नंबर कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग
हैं, कीटों के पंख और चमगादड़ अंग का अंग, ठीक है ना। तो 19 का सही हो जाएगा कि संवृति अंग है, ठीक है ना। उसके बाद से 20 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, केंचुआ। और 21 नंबर उड़हुल किस प्रकार का फूल है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विलिंगी, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर आ जाइए, ठीक है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, तो 22 का हो जाएगा डार्विन लिखा था। 23 नंबर है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का, तो ये मटर के पौधे का। समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, या हमारे दांत और हाथी के दांत, तो आलू और घास के ऊपरी गुहस्ता, या उपरोक्त सभी। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा बाबू उपरोक्त सभी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, निम्न में कौन बौने को दर्शाता है, बौना बौना बौना, समझ रहे ना। तो बौने को ड छोटा स्मॉल टी, और 12 स्मॉल टी लंबा का दर्शाता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो भाई ग्रेगर जैन मंडल हो जाएगा। 27 नंबर है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ होता है आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का पूरा निचोड़, हम जो आपके एक ही वीडियो में हम देने की कोशिश किए हैं। हो सकता है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल लगा होगा, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और हो सके तो आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस वाली श्रेणी में इसको जरूर रखिएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।